तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, जी हां, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 2 विकेट से हराया है। पैट कमिंस और लियोन ने 55 रन की साझेदारी कर दिलाई है अपनी टीम को जीत। जी हां, हम बात कर रहे हैं एशेज सीरीज की, और पहला ये मुकाबला खेला जा रहा था। जबरदस्त तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को धूल चटा दिया है। जी हां, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की प्रतिष्ठित एशेज सीरीज में जीत के साथ शुरुआत कर दी है। उसने एजबेस्टन में खेले गए पहले मैच में 2 विकेट से जीत हासिल कर ली है। चलिए क्रिकेट हाइलाइट्स में आपको बताते हैं कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा इस मुकाबले में। जी हां, इंग्लैंड ने कंगारुओं को जीत के लिए 281 रनों का लक्ष्य रखा था। ऑस्ट्रेलिया टीम ने कप्तान पैट कमिंस और नेथन लायन की बदौलत जुझारू बल्लेबाजी के दम पर इस मैच को अपने नाम कर लिया। दोनों ने 9वें विकेट के लिए 55 रन की साझेदारी कर अपनी टीम को जीत दिला दी। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में अब 1-0 से आगे बढ़त है, और ये बहुत ही मुश्किल होगा इंग्लैंड के लिए। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने कमाल करके दिखा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने इस बार गेंद से नहीं बल्कि बल्ले से कमाल दिखाया है। उन्होंने स्पिन गेंदबाज नेथन लायन के साथ मिलकर 9 विकेट के लिए 55 रन की साझेदारी कर ली, और इंग्लैंड को एक मौका था कि यहां पे आउट कर दें, लेकिन बिल्कुल ही वो हो ना सका। और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, जिन्होंने बिल्कुल ही ये समझ के परे था, और बिल्कुल आप कह सकते हैं कि उनकी थोड़ी सी परेशानी यहाँ पे बिल्कुल टीम को देखने को मिली है। उन्होंने साहसी फैसला तो लिया, लेकिन उस समय पारी घोषित कर दिया जब टीम ने 8 विकेट पर 393 रन बनाए थे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया टीम ने 386 रन पर ही सिमट गई थी। इंग्लैंड को पहली पारी में 7 रन की बढ़त मिली थी, उसने दूसरी पारी में 273 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया के सामने कुल 281 रनों का लक्ष्य रखा था। कंगारू टीम ने मैच को अंतिम दिन आखिरी सत्र में अपने नाम कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने मैच के साथ बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने मैच के 4थे दिन 3 विकेट पर 107 रन बना लिए थे, जबकि उस्मान ख्वाजा के साथ स्कॉट बोलेन ने नाबाद बिल्कुल पारी खेलते नजर आए, और कंगारू टीम को 5वें दिन जीत के लिए 174 रन बनाने थे। और मैच के अंतिम में बारिश ने थोड़ा सा खलल डाला और खेल काफ़ी देर से शुरू हुआ। एम्पायर ने दिन निर्धारित 90 ओवर को घटाकर 67 ओवर कर दिया था। अब ऑस्ट्रेलिया को 67 ओवर में 176 रन बनाने थे और उसके हाथ में 7 विकेट थे। 5वें दिन ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो बिल्कुल नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे, लेकिन फिर भी बॉलर ने 20 रन बनाए। उनके बाद पहली पारी में अर्धशतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे नंबर बल्लेबाज स्टेविस हेड 16 रन बनाकर मोइन अली का शिकार हो गए। लेकिन देखा जाए तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस रहा, ऑस्ट्रेलिया टीम जीतती नजर आई है। पैट कमिंस की शानदार तरीके से बल्लेबाजी और नेथन लायन की बल्लेबाजी ने कमाल करके दिखाया। इंग्लैंड के लिए अब वापसी करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, देखना होगा क्या कुछ होता है। लेकिन आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हम मिलते हैं आपके साथ क्रिकेट हाइलाइट्स में नेक्स्ट डे।